असलम डर स्टूडेंट्स ऑफ एफ ई उम्मीद करती हूँ आपका एफ ए के साथ जो जर्नी चल रही है इंग्लिश सीखने की कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने की वो बहुत अच्छी जा रही है मैं आपको वेलकम कहूँगी डे सिक्सटी की एफ़र्मेशन में जैसे कि आपको पता है यू आर अबाउट टू फिनिश थ्री मंथ्स विद एफ ई एंड नाउ यू कैन सी अ विद डिफरेंस इन योर कॉन्फिडेंस इन यूर स्पीकिंग स्टाइल अलहमदिल्ला सो टोडेज़ एफर्मेशन इज़ अबाउट आई मैनपीटमी ऑफ एक्सलेंस यानी कि मैं एक्सेलेंस की एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हूँ ऐसा खुद को कहना पड़ता है यहाँ तक क्या बनना चाहे एक इंग्लिश का एक कॉल है फेक इट टिल यू मेक इट यानी कि फ़ेक करते रहो करते रहो यहाँ तक कि आप वैसे बन जाओ क्योंकि जैसा आप एक्ट करते हो आहिस्ता आहिस्ता वैसा होने लग जाते हो अगर आप ये फेक करोगे कि आप एक नालायक इंसान हो अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये कहती हैं कि मैम मैं बहुत नालायक हूँ कंसिडर मी लायक के जी स्टूडेंट तो ठीक है आप मुझ तक अपनी क्वारी लेके आते हो लेकिन खुद को इतना अंडर वैल्यू रखना इतना अंडर एस्टिमेट करना दैट्स अ बिग बिग नो ठीक है कभी भी खुद को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना हमेशा अपने आप को देखें अपने आप को तो अच्छा कहें कहता है दुनिया का वेट ना करें कि दुनिया आपको अच्छा कहें खुद को अच्छा कहने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लोग भी आपको अच्छा कहने लगेंगे आप खुद इसको नोटिस करोगे इफ़ यू आर अ बिलीवर और बिलीवर कौन होता है जो अपने आपसे अच्छी बात ही करता है अपनी अच्छी थाट्स को एक्सेप्ट करें नेगेटिव भी आते हैं तो उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ नेगेटिव थाट आना इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस वो सबको आते हैं चाहे कोई कितना भी नेक हो बुजुर्ग हो उसको भी आते हैं लेकिन उनके अंदर हमारे में डिफरेंस क्या होता है हम नेगेटिव थाट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको फिल्टर कर देते हैं ठीक है तो हमेशा अपने अच्छे ख्याल को जो एम्पावर करते हैं उन्हीं को इम्पॉटेंस दें उन्हीं पर एतबार करें जो दूसरे ख्याल हैं उन पर एतबार मत करें तो इस बात पर एतबार करें दैट येस आई एम एन अपीटमी ऑफ एक्सेलेंस एपिटमी का मतलब क्या होता है किसी चीज़ की एग्ज़ाम्पल आज का वर्ड ऑफ द डे भी सेम यही है तो अपने आप को तीन दफ़ा कहें आई एम एन अपीटमी ऑफ एक्सीलेंस आई एम एन अपीटमी ऑफ एक्सीलेंस आई एम एंड इपिटमी ऑफ एक्सेलेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को 24 फोर आवर्स तक रिपीट करते रहेगा अपने जर्नल में लिख लीजिएगा अल्लाह हाफ